हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज हम बनाएंगे मलाई पूरी, वो भी इंस्टेंट स्टाइल में। वैसे तो बहुत वक्त ज़ाया होता है अगर हम ट्रेडिशनल वे में मलाई पूरी को बनाएं। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान मेथड बताने वाली हूँ ताकि आप 5 से 10 मिनट में इसको बना के तैयार कर लें और अपने डेजर्ट को इंजॉय करें, स्पेशली बारिश के मौसम में। अगर आपको भी इसकी रेसिपी जाननी है तो बने रहिए मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी। फिर चीनी में हम डालेंगे सेम अमाउंट का पानी और इसको गर्म करने के लिए रख देंगे चाशनी बनने के लिए। और फिर हम लेंगे इंस्टेंट रेडीमेड गुलाब मिक्स, यानी कि गुलाब जामुन रेडीमेड मिक्सचर। इसमें बहुत सारे लम्स अभी दिखाई दे रहे हैं बट ये सारे डिजॉल्व हो जाएंगे। हम बैटर बनाएंगे, सेम अमाउंट का इसमें पानी डालेंगे। आप अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए पानी की अमाउंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको विस्कर की मदद से हम विस्क करेंगे ताकि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी हो जाए। हमें बैटर ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है ना ही ज़्यादा पतला बनाना है। अगर पतला बनाएंगे तो वो फैल जाएगा और गाढ़ा बनाएंगे तो वो पकेगा नहीं। तो ये एग्जैक्ट हमारा कंसिस्टेंसी का बैटर बनके तैयार हो गया है। मीनवाइल हमारी चीनी भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई पानी में और इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। अब थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैंने यहाँ चुटकी भर हल्दी पाउडर डाला है ताकि मलाई पूरी कलर अच्छा आ सके। इसको 3 से 4 मिनट के लिए और बॉईल कीजिए, उसके बाद फिर आपको इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें एक फ्लैट बेस का पैन लेंगे। इसमें थोड़ी सी भी गहराई नहीं होनी चाहिए कढ़ाई में, नहीं तो ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। कम ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए हमने फ्लैट बेस लिया है। फिर इसको बैटर को हम सर्विंग स्पून से डाल देंगे और राउंड राउंड शेप में मलाई पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आप एक वक्त में एक बैच में 2 से 3 मलाई पूरी को पका सकते हैं। इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपको इसको फ्राई होने देना है ऑयल में, और फिर जब नीचे की साइड पक गई हो तो उसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए इसका ब्राउन कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर इंडिकेट करता है कि ये फ्राई हो गई है प्रॉपरली। तो अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आपको इस तरह से प्रेस करना है ताकि एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए और उसके बाद ही आपको डिश आउट करना है मलाई पूरी को। इसी तरीके से आप सारी मलाई पूरी को डिश आउट कर लीजिए। उसके बाद रूम टेम्परेचर की चाशनी में इसको हम डिप करेंगे। डिप करके 2 से 3 मिनट रखेंगे ताकि अच्छे से चाशनी मलाई पूरी के अंदर रस जाए। और ये हमारी मलाई पूरी बनके रेडी हो गई है। इसको चाशनी में से निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे एक सुंदर सी प्लेट में। कितने अच्छे से रच गई है चाशनी मलाई पूरी में। इसी तरीके से जितनी भी आपने मलाई पूरी बनाई है सबको चाशनी में डुबो डुबो के अच्छे से रस भर दीजिए उसमें और इसको निकाल लीजिए 2 से 3 मिनट के बाद। बहुत ही सॉफ्ट और मलाईदार मलाई पूरी बनी है। ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है और मुंह में घुल जाती है। और ये हमारी मलाई पूरी बनके रेडी है। इसको आप गार्निश कीजिए पिस्ते के साथ और टेस्ट कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस डिज़र्ट है, बहुत खुश होके खाते हैं सब। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इन्जॉय योर डिज़र्ट। हैव अ नाइस लाइफ।